दोस्तों नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार सीईटी में असफल अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स और इनवैलिड का भी रिजल्ट जारी हो, इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। फाइनली कल जो है कुणाल कुमार जी के केस की सुनवाई हुई। जी हां, 18 मई 2018 को कुणाल कुमार जी के केस की सुनवाई हुई। इसका केस नंबर है 16974/2017। आप देख सकते हैं केस नंबर से ही एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्होंने सबसे पहले 2017 में ही अकेले ही केस फाइल किया था। जी हां, आपको बता दो कि यह किसी भी संघ या संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है। कुणाल कुमार जी इन्होंने खुद अकेले ही पटना हाई कोर्ट में इसका रिजल्ट इनवैलिड घोषित कर दिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, इसलिए इन्होंने पटना हाई कोर्ट में अकेले केस फाइल किया था। इसकी केस की फाइनली कल सुनवाई हुई। इसका केस नंबर 16974/2017 है। आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। कल का हाईकोर्ट का केस अपडेट ये है कि जज साहब अनिल कुमार उपाध्याय के द्वारा बोर्ड को निर्देश दिया गया कि विभागीय अधिकारियों को बुलाया जाए। इसके बाद फाइनली बिहार बोर्ड के अधिकारी कल पटना हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। उसके बाद फाइनली बिहार बोर्ड के अधिकारियों से जज साहब ने पूछा कि आप बताओ, आपने विज्ञापन में कहाँ लिखा है कि रिजल्ट इनवैलिड वालों का अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस पर बिहार बोर्ड के वकील और ऑफिसर दोनों चुप हो गए। इसी के साथ अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जून 2018 को होने वाली है। आप लोग पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। केस नंबर है CWJC 16974/2017। कुणाल कुमार जी का यह केस नंबर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इन्होंने अकेला ही पटना हाईकोर्ट में केस फाइल। पटना की सबसे बड़ी बात, कल पटना हाईकोर्ट में इस बात पे भी चर्चा की गई कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था, बिहार बोर्ड ने विज्ञापन में साफ तौर पर कहा था कि यदि आप व्हाइटनर या फिर नाखून या फिर स्क्रेच का प्रयोग करेंगे तो आपके रिजल्ट को कंप्यूटर द्वारा एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसके ओएमआर शीट को कंप्यूटर ने रीड किया, फाइनली उसका मार्क्स जो है पास मार्क्स से कहीं गुना ज़्यादा आ रहा है, फिर भी उसका रिजल्ट को बोर्ड ने जारी नहीं किया, इनवैलिड कर दिया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। कहा जा सकता है कि कल की अपडेट से 99.99% जीत मिल चुका है। अब अगली बस 25 जून